अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कॉर्नर के बारे में। ताद गेरा ने बेंदबे को फंसाया और ब्राउन के ऊपर हमला किया और जो जागता ही था वो तो पहले ही उस्मान बे से अलग है, तो अब उस्ताद गेरा का जो अगला हदफ होगा वो कॉर्नर होगा। स्गोत पर भी हमला किया और मजीद भी हमले करेगा, लेकिन कॉर्नर को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही नई एंट्री के बारे में बात करेंगे जो की बहुत जल्द हो सकती है, लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस्ताद गेरा की। पहले इसने ब्राउन पर हमला करवाया और जो बेंदर बे था उस पर इल्जाम लगवाया। दोनों मंसूबे इसके नाकाम हुए, यानी ब्राउन भी बच गया और बेंदर भी बच गया। लेकिन फिर इसने सुगोत को टारगेट किया और ये कहा कि हम सुगोत को जला देंगे। बिल्कुल हम वैसे ही एपिसोड में देख चुके हैं, सुगोत पर हमला किया और जला रहे हैं। वहाँ से एपिसोड खत्म हो चुकी है और आने वाली एपिसोड वही से स्टार्ट होगी जब इनका मिशन कामयाब हो जाएगा। उसके बाद जो इनका अगला हदफ होगा वो कॉर्नर होगा। कॉर्नर के ऊपर हमला करेंगे या फिर यूं कह लें कि गवाह करवाएंगे। आप को याद होगा जब ब्राउन जख्मी हो चुका था तो मास्टर गेरा का ये कहना था कि हम ब्राउन को तो जख्मी कर चुके हैं और वो खत्म भी हो जाएगा, अब हम बेंदर बे का खात्मा करेंगे। उसकी भी इन्होंने कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। इन दोनों के ऊपर अटैक कर चुके हैं और जो जागता ही है वो तो वैसे ही अलग है। रही बात कॉर्नर की, कॉर्नर उस्मान बे का साथी है, उम्मीद है कि इसके ऊपर भी अटैक किया जाएगा। अब ये अटैक कैसे किया जाएगा ये तो हम आने वाली चंद एपिसोड में ही देखेंगे। रही बात नई एंट्री की, तो नाजरी तवक्को ये की जा रही है कि अक्षय कोजा की एंट्री सीजन 5 में जरूर होगी, क्योंकि वो बहुत अहम करदार है और उम्मीद यही की जा रही है कि उसकी बहुत जल्द एंट्री हो सकती है। वैसे जो ब्राउन के बारे में खबरें आई थी, अगर वो खबरें सच होती हैं तो फिर बहुत जल्द उसकी एंट्री हो सकती है, यानी कि एक्चर कोजा की बहुत जल्द एंट्री हो सकती है। खबरों के मुताबिक ब्राउन चला जाएगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं जाएगा, चंद एपिसोड के लिए जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर एक्चर कोजा की एंट्री हो सकती है। तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।